सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये देखिए स्नो का चल रहा है ब्रेकफास्ट। ये देखिए गुन्नू खिला रही है स्नो को। आयुष गया स्कूल और मैं इधर आयुष के लिए ये इधर बना रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, स्नो का हो रहा है। और ये देखिए इधर मैंने, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉयल किए हैं छोले, तो आज मैं बनाऊंगी छोले। ये देखिए इधर मैंने तेल कर दिया, अपना गैस तेज कर दिया, और ये मैंने मसाला भी रेडी कर लिया है। तो अब छौंकते हैं छोले। थोड़े से मैंने वैसे निकाल के रख दिए हैं अलग, थोड़े दूध मेरा गर्म हो गया है। और चलिए हरी मिर्च थोड़ी छौंकने के लिए करूंगी और थोड़ा सब्जी के लिए काटूंगी। और इधर देखो क्या हो रहा है, ये देखो स्नो का खाना कैसे प्लेट पकड़ के खा रही है। पनीर डाल के बहुत अच्छा लगता है, पनीर देख रही है। गाइस से बात करो, बहुत दिन हो गए। करो स्नो, गाइस से बात करो। बाबू अभी खाने में लगी हुई है, ये देखिए खा रही है अपना। चलो खाने देते हैं। और इधर गुन्नू मैम टीवी देख रही है। और चलिए आयुष के लंच की तैयारी करते हैं। तो मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, चलो मैं छौंकती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो मुझे अभी सब कुछ सारा करना है। और मैंने चावल भी बना दिए, देखिए चावल बना के रख दिए। और शाम के लिए भिंडी ये धो के रख दूंगी, तो ये काट के मुझे टाइम नहीं मिलेगा, डांस के बच्चे आ जाएंगे। तो ये भिंडियाँ भी मैं धो के और कट करके अभी बंद धुली हुई है, तो इनको धो के इनका पानी चढ़ जाएगा, तब मैं जाके वो करूँगी। इसमें मैंने ये काले चने भिगोए हुए हैं क्योंकि उम्मीद जी सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। इसमें दाल भी है मूंग वाली साबुत, सुबह मॉर्निंग में उम्मीद जी खाएंगे, तो इसलिए इसको भिगो के रखा है। ऐसा फिर कल खा लेंगे, तो फिर रात को फिर भिगो के रख दूंगी, ये सुबह काम आएगा, रात को फिर भिगो के रखना है। चलिए गाइस मैं स्कूल से आ गया और मम्मा ने मेरे लिए लंच रेडी कर दिया है। सो मैं लंच खाता हूँ। और ये देखिए स्नो 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 है भाई। जैसे मैंने ये काले चने रख लिए थे, तो मैंने अपने लिए थोड़े से प्याज और ये इसमें थोड़ा सा रह गया है नींबू निचोड़ना, तो चलिए नींबू निचोड़ते हैं थोड़ा सा, बस ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। चलिए नमक मैंने इसमें डाल दिया, चलिए खाते हैं। और ये आयुष का खाना, मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज काट दिया आयुष के लिए क्योंकि वो प्याज उसको पसंद है। और ये देखिए छोले की सब्जी बन गई मेरी, और इधर काले चने, चलिए खाते हैं। तो गाइस आयुष को पीनी है लस्सी, चलिए इसके लिए लस्सी बनाते हैं। मैंने ये दही निकाल के रख ली है, तो चलिए आयुष को लस्सी रेडी करते हैं। और देखो ये भी काट के इसने भी रखे हैं फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज बनाना ही काट के रखे हैं। चलिए सो गाइस ये देखिए दही, वाव। चलिए अब इसमें ना थोड़ा सा मैं बर्फ़ डाल दूँगी क्योंकि गुन्नू को दही रखनी है, गुस्सा हो जाएगी, वो लस्सी नहीं पीती है, तो उसको थोड़ी सी दही रख दूँगी। बहुत है, चलिए अब बर्फ़ खाते हैं। ये देखो निकालते हैं, देखो और उधर खाना खाया जा रहा है। चलिए दही रख दी भैया, तेरे लिए रख दी। चलिए सो गाइस चलिए चीनी डालते हैं। चलिए बन गई आयुष की लस्सी, आयुष की लस्सी नहीं आयुष के लिए लस्सी। क्या बोल रही हूँ। सो गाइस मैं भी, मेरा दिमाग का ना खराब हो गया है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, फूट जाते क्लास यार, क्या हो रहा है आज। चलिए इसमें ना थोड़ी सी दही ऐड कर लेते हैं। आज की रेसिपी को देख लो, वो बहुत वही बहुत बढ़िया बनी है, सो यम्मी वाली। इसमें देखना गले के गिलास। चलिए बच्ची कुछ मैं भी पी लेती हूँ, मेरे लिए तीसरी बची है। चलो थोड़ी सी दही ऐड कर लेते हैं इसमें।
हो गई। और ये उनकी दही बच गई है देखो उनके लिए। चलिए चलो यार, कौन सी स्पून आ रही है बार बार। बर्फ तो ठीक है, इतनी अच्छी लगती है। ये है हमारी लस्सी, लस्सी का गिलास। आज कैसी है, टेस्टी है ना? ओ इसमें ब्लर हो रहा है यार, पता नहीं क्यों ब्लर आ जाता है दोनों में। आज थोड़ी डिफरेंट लगी आज थोड़ी सी है। नहीं आज मैंने कुछ स्पेशल डाला इसमें, पनीर थोड़ा डालते हैं इसमें। डाली मैंने मिठाई ऊपर से। फ्रेंच फ्राइज क्या करता रहता है तू? ये देखो अपने आप लग गया ये करने यार। देख रहे हैं कि कितना चट्टू है तू। सो गाइस ये देखिए लगा हुआ है अपने आप। और इसने ये इसमें चोपर में, ये चोपर है और इसमें ना आलू रख के यहाँ साइड में और काट काट के अपना, इसने जल्दी हो जाते हैं इससे। और अपना हो गया इसका शुरू काम। पता नहीं क्या क्या, ये आलू भी ऐसे कर रखे हैं, पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये। ला मैं निकालूँ, हट जल जाएगा तू, हट जा। आयुष लग जाएगी रगा, मैं आराम से निकाल दूँ। अब क्या करेगा तू इसमें, छोड़ दे। अब हम इसको इससे, ये जो है पेरी पेरी मसाला, इससे हम इसको मिक्स करेंगे। कैसे? ये इसके साथ आया था शेक शेक बैग, तो हम इसमें मिक्स करेंगे। चलिए कान्हा जी को भोग लगाया है इसमें। पहले तो हम इसको इसमें डाल लूँ मैं, और इसमें डाल ये देखिए फ्राइज अंदर जा चुके हैं। अब देन मैं इसमें डालूंगा पेरी पेरी मसाला। ये देखिए मैंने डाल दिया, और डाल देते हैं मैकडी वाला टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं ठीक है। कर रहा ये देखिए आयुष क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या इसने किया है। भाई जी देखो मैकडी वाला टेस्ट बिल्कुल। तो एक बार हम टेस्ट करके देखेंगे कैसी है ये। नमक टेस्ट करते हैं। सो गाइस इसकी फेवरेट आ जाओ देखा तो पहले तो मैं देखती हूँ। सो यम्मी यार, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। थोड़ा सा सॉल्ट ठीक है वैसे, उसे उसे मिक्स कर दूँ। सो गाइस ये देखो बिल्कुल देखने में भी आप बताना सेम वैसे ही लग रहे हैं एकदम। डैडी को भी टेस्ट करा के इसको बंद कर देती हूँ। सो गाइस ये देखिए मैंने बनाया है, ये देखो पराठा। ये हमारा डिनर का टाइम है, इस टाइम पराठा बन रहा है और आयुष की डिमांड है और बुंदू की मम्मा पराठा खाना है। तो सो गाइस और इधर मेरी भिंडी, ये देखिए भिंडी बन रही है देखो। और इधर ये देखो पूरा फैला हुआ है, सब मुझे साफ करना है। तो सो गाइस चलिए डिनर बनाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। जल गया मेरा परांठा, जल गया जल गया जल गया। तो गाइस ये देखिए भिंडी इधर मेरी रेडी हो रही है। सो गाइस डिनर हमारा हो चुका है और काफी टाइम हो गया, मुझे अभी बर्तन भी करने हैं, किचन साफ करनी है। देखिए सब कुछ फैला पड़ा है तो इसको साफ करना है। ब्लॉग एंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे फिर एडिटिंग भी कर, 10 o'clock हो रहे हैं। तो सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।